मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लटेरी में निशुल्क रोग निवारण शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर रघुवंशी द्वारा बताया गया है कि यहां पर कई प्रकार की बीमारियों की दवाई दी जाती है। यह शिविर बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता। यह शिविर लटेरी में 15 दिन के लिए रखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे लकवा, पोलियो, दमा, मिर्गी, थायराइड सहित कई रोगों का इलाज किया जाएगा। जी बताएं कहाँ से? भोपाल से आई हूँ। अच्छा, क्या समस्या थी इनके लिए? मुट्ठी खुलती नहीं थी पहले, 20 साल से बंद। कब से बंद थी? 20 साल से। अब क्या स्थिति? तो कितने दिन ये दवाई ली है आपने? 18 दिन। 18 दिन तो डॉक्टर ऐसे इलाज कराया होगा, उससे कोई फायदा नहीं मिला? बहुत इलाज तो कोई फायदा नहीं। तो बहुत आप क्या कहना चाहेंगे इस शिविर के? बहुत अच्छा काम है, सबको ठीक करें। कोई पैसा वगैरह लगा आपका? कुछ भी नहीं लगा, निशुल्क है। थैंक यू। इस तरह से इस कार्यक्रम की प्रेरणा मिली आपको, यहाँ करना चाहिए, आपके क्या सहयोग है? कोई सहयोग नहीं है। हमें घनश्याम जी और चंद्रशेखर जी आए थे एक रोज जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब अपन ये शिविर लगाना है। मैंने बोला उनसे कि अपन तपोवन वो नहीं, ये हनुमान जी मंदिर है, आप देख लें अपन। फिर उन्होंने कहा कि वो भूमि बहुत दूर पड़ेगी कहीं। फिर हमने कहा अपनी रघु इंटरनेशनल स्कूल में कर लें अपन। यार भाई साहब जहाँ जहाँ भी मतलब शहर से दूरी जाते हैं, यार भाई साहब इसको देख लें। तुमको थोड़ी जहाँ वो लग रही थी साफ सफाई करवानी पड़ेगी और ये। फिर मैं ठीक है, फिर मैं सुबह उठाऊँ दूसरे दिन सुबह वो 6 बजे मेरे की, यार अपन गलत कर रहे हैं, अपन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन ग्राउंड साफ कर लेंगे और अपन यहीं पे करेंगे ऐसे। कहाँ से आए बाबा इनके द्वारा इलाज किया जा रहा है? उज्जैन से आए हैं। आपने भी कोई दवाई यूज की है यहाँ पे? नहीं, हाँ हमने दवाई यूज की है, कोई बहुत फायदा है जी। थैंक यू। रघुवंशी जी बताएं किस तरह से यहाँ लोगों को इलाज किया जा रहा है, क्या पद्धति अपनाई जा रही है, कौन कर रहे हैं यहाँ पर इलाज? देखिए उज्जैन के निवासी संत रावल बाबा विगत 9 वर्षों से इस प्रकार के निशुल्क रोग निवारण शिविर पूरे देश भर में लगा रहे हैं। मेरा उज्जैन 1.5-2 वर्ष रुकना हुआ तो मैं संपर्क में उनके आया, मैंने वहाँ उनसे जब बात की तो उन्होंने ऐसा शिविर के बारे में मेरे को बताया। और पूरी की पूरी जो यहाँ पर उपचार हो रहा है वो सब यहीं के देसी पद्धति से हो रहा है, चाहे वो चूर्ण हो, चाहे काढ़े हों, चाहे अन्य प्रकार की औषधियाँ हों। और हर प्रकार की औषधि उसमें, चाहे वह लकुआ से संबंधित हो, चाहे मिर्गी से संबंधित हो, चाहे चर्म रोग से संबंधित हो, चाहे आंखों के रोग से, चाहे साइटी का, थायराइड, दमा, श्वास की बीमारी, ऐसे किसी भी प्रकार के रोगों का निशुल्क यहाँ उपचार होता है। और उसके परिणाम भी 2-3 दिन के अंदर आने लगते हैं जी। जी उसके परिणाम भी 2-3 दिन में आने लगते हैं और उस परिणाम के कारण ही इतनी संख्या में यहाँ वृद्धि होती है कि जो एक गाँव से 4 लोग आ रहे होते हैं वो 3-4 दिन बाद 40 हो जाते हैं। रघुवंशी अभी जो है आज दूसरा दिन है कैंप का, तो अभी क्या संख्या रही है? देखिए यहाँ पर संख्या किसी को भी समझ में ऐसा नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ सुबह 7:30 से लेके अभी तक लोग कंटिन्यू हैं। लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा का वेटिंग रहता है, उनका नंबर आता है, वो दवाई लेते खाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और ये लगातार चलता रहता है शाम को 5 बजे तक। तो ऐसे हम फिर जब संख्या का जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो जब संख्या का हमने कल ही आकलन किया तो 1800+ लोग उसमें थे कल ही, कल के बाद। और आज वह संख्या उससे हम मेरे को लगता है जस्ट डबल होने वाली है। कल के कुछ 50-100 लोग नहीं आएंगे, लेकिन कल जो 1800 आए थे उनमें से 1500 लोग लगभग आते हैं और कुछ नए बढ़ते हैं। तो प्रतिदिन नए बढ़नों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन पुराने लोग पूरी तरह कम नहीं होते, वो धीरे धीरे करके कुछ लोग जरूरी काम आ जाए। अब जिसको बहुत आवश्यक है उसका उसको उसके रोगों को खत्म करना ही है तो वो चिंता से आता है। और दिन लटेरी से खबर समय जगत के लिए वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।